जब एक कार ट्रैक पे मूव करती है तो उसके व्हील्स रोलिंग मोशन शो करते हैं। आइए हम 3D एनिमेशन की हेल्प से रोलिंग मोशन को समझते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। अगर आप टायर पे पॉइंट पी जो कि ग्राउंड के कॉन्टेक्ट में है कंसिडर करते हैं, तो पॉइंट पी की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जीरो है, क्योंकि अगर पॉइंट पी की वेलोसिटी कुछ रहेगी तो ये टायर फिर स्लिप करेगा ना कि रोल करेगा। Therefore, Vp is equal to zero. अभी हम मानते हैं कि ये व्हील ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, तो पॉइंट पी के अबाउट देखा जाए तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, r इंटू ओमेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस p से r है और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, सो r ओमेगा vcm हमारी हो गई। आइए अभी व्हील को हम क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं और व्हील की पेरिफेरी पे किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी निकालना सीखते हैं। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी r ओमेगा है जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और सेंटर ऑफ मास के अबाउट हर पॉइंट रोटेट कर रहा है। लेट अस टेक ए पॉइंट ए जो कि व्हील की पेरिफेरी पे है। ए की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में टेंजेंशियल डायरेक्शन में है जो कि r ओमेगा है। अगर हम वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसलिए वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसलिए वेलोसिटी ऑफ ए दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगा। कौन से दो वेक्टर्स? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर हम व्हील के सबसे ऊपर वाले पॉइंट को कंसीडर करते हैं, लेट अस नेम दैट एस बी, तो इसकी सेंटर ऑफ मास के अबाउट वेलोसिटी आर ओमेगा है और इसमें अगर हम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऐड करते हैं जो कि आर ओमेगा है, सो इट इज कमिंग टू आर ओमेगा। सिमिलरली अगर हम बॉटम मोस्ट पॉइंट को कंसीडर करते हैं, लेट अस नेम दैट एस पी। पी के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि पी की वेलोसिटी जीरो है। आइए इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। पी सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा आर ओमेगा वेलोसिटी से। इसमें अगर हम सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ऐड करते हैं, सो दैट इज कमिंग जीरो। सिमिलरली व्हील की पेरिफेरी पे आप किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। Now let us talk about the acceleration during rolling motion. अगर हम bottom most point P को consider करते हैं, so P की horizontal direction में acceleration zero है, क्योंकि P point हमारा ground के contact में है और हमारा wheel यहाँ पे roll कर रहा है, slip नहीं कर रहा है। Let us take कि हमारा wheel alpha angular acceleration से accelerate कर रहा है, तो center of mass की acceleration r अल्फा हो जाएगी, क्योंकि इसका डिस्टेंस p से r है और अल्फा इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन है। आइए अभी व्हील को हम क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं और व्हील की पेरिफेरी पे किसी भी पॉइंट की एक्सेलरेशन निकालना सीखते हैं। सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है जो कि r अल्फा है। व्हील की पेरिफेरी पे कोई भी पॉइंट सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। अगर हम व्हील की पेरिफेरी पे कोई पॉइंट कंसीडर करते हैं, लेट अस नेम दैट पॉइंट एज ए। ए की सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में दो एक्सेलरेशंस होंगी, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो कि ओमेगा स्क्वायर आर होगी सेंटर की तरफ, दूसरी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो कि आर अल्फा है और वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में है। एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालने के लिए इसमें हम एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऐड कर देंगे, इसलिए एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड तीनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट हो जाएगा यहाँ पे। तीनों वेक्टर्स में कौन कौन? आर अल्फा, ओमेगा स्क्वायर आर और ए सी एम। अगर हम व्हील की पेरिफेरी पे टॉप मोस्ट पॉइंट कंसिडर करते हैं, लेट अस नेम दैट एज बी। सो बी के पास दो एक्सेलरेशन हैं सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो कि आर अल्फा है राइट डायरेक्शन में, दूसरी ओमेगा स्क्वायर आर जो कि सेंटर की तरफ है। रिजल्टेंट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम इसमें सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन ऐड कर देंगे, सो इन तीनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ बी आ जाएगी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर हम बॉटम मोस्ट पॉइंट कंसिडर करते हैं पी जो कि ग्राउंड के कॉन्टेक्ट में है, तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में उसकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लेफ्ट डायरेक्शन में होगी आर अल्फा,
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में होगी ओमेगा स्क्वायर आर, और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसके एक्सेलरेशन निकालने के लिए इसमें हम ACM राइट डायरेक्शन में ऐड कर देंगे। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी रिजल्टेंट एक्सेलरेशन जीरो आ जाएगी और इसकी एक्सेलरेशन केवल वर्टिकल डायरेक्शन में है जो कि ओमेगा स्क्वायर आर है। सिमिलरली व्हील की पेरिफेरी पे किसी भी पॉइंट की एक्सेलरेशन ऐसे हम निकाल सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इस वीडियो में रियली बहुत सारे एफर्ट्स लगे हैं। सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, लाइक दिस वीडियो, पुट सम कमेंट्स। ऑल्सो आप कमेंट्स में बता सकते हो आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे एनिमेटेड वीडियो चाहिए।